9 लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो ये मान्य नहीं करती। कोई और आके हम पार्टी है करके कहने को जाए तो हम वहाँ हैं, हम पार्टी के नाते वहाँ मौजूद है, और जिस क्षण उन्होंने शपथ ली उसी क्षण वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने लेटर लिखे, ये कहा है कि हमारे इसमें 9 लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो ये मान्य नहीं करती, और उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कहा है, कोई और आके हम पार्टी है करके कहने को जाए तो हम वहाँ हैं, हम पार्टी के नाते वहाँ मौजूद है, और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में है। इसमें आज एक विधायक हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने हमारे डिस्क्वालिफिकेशन कमिटी जो है, डिसिप्लिन कमिटी, वो डिसिप्लिन कमिटी स्टेट की जो है उनको खत लिखा था, और उसके ऊपर प्रोसेस करके उनके ऊपर एक्शन लेने का निर्णय डिसिप्लिन कमिटी ने दिया, और उसके बाद में हमने डिस्क्वालिफिकेशन अभी फाइल किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल नार्वेकर जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष है, वो हमें उनको रिक्वेस्ट की है कि उन्होंने जल्द से जल्द कल सुबह हमारे पिटीशन के लिए हमें बुलाए उन्होंने इनवाइट करना चाहिए, और हमारी जो उसमें पिटीशन की साइड है वो सुन लेनी चाहिए। हमारे मुताबिक हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने 9 लोगों ने महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ जाके सरकार में स्वेरिंग इन सेरेमनी में वो शामिल हुए, उनके खिलाफ हमने डिस्क्वालिफिकेशन फाइल किया है, और जिस क्षण उन्होंने शपथ ली उसी क्षण वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अभी हमने विधानसभा के जो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, दोपहर में ही हमने जितेंद्र आवाड़ साहब को चीफ व्हिप के नाते उनको अपॉइंटमेंट दी है, और वो अभी काम कर रहे हैं। वो अभी खुद जाके ये डिस्क्वालिफिकेशन के पेपर्स, डिस्क्वालिफिकेशन का पिटीशन उनको देने की कोशिश करेंगे। कोशिश है हमारी कि रात को ही उनको दिया जाए, और हम समझते हैं कि एंटी पार्टी एक्टिविटी जिस क्षण उन्होंने राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब या स्टेट अध्यक्ष मैं जयंत पाटिल इनको कोई इन्फॉर्म न करते हुए, ऐसा पॉलिसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कभी अपनाया नहीं है, ऐसे हमारी पॉलिसी के खिलाफ जाके उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो धोरण है उसके खिलाफ जाके उन्होंने शपथ ग्रहण की है, और जिस क्षण उन्होंने शपथ ग्रहण की है उस क्षण दे स्टैंड डिस्क्वालीफाइड, और इसीलिए हमने अभी पिटीशन फाइल किया है। इलेक्शन कमीशन को भी हमने खत लिखा है, और इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि हमारी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे सारे रैंक एंड फाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट और पूरे देश के है, आदरणीय पवार साहब के साथ है, और रैंक एंड फाइल जब पवार साहब के साथ है, पूरे देश के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पवार साहब के साथ है, तो इसीलिए हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताया है, ये लोगों ने ये डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस की है, और उनके बारे में हमने जो लिखा है वो उसमें लिखा है। पाटिल साहब, आपने कहा कि बाकी विधायकों को संपर्क में है, उनके बारे में अगर काफी विधायक हमारे से संपर्क कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि वो वहाँ गए हैं, वो उनको ठीक नहीं लगता है, और वो शायद वापस आने की इच्छा उनको जताते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोगों के पास जाए, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाए, तभी भी उनको वहाँ के कार्यकर्ता बताएंगे कि ऐसा करना ठीक नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता, पूरे कार्यकर्ता महाराष्ट्र के पवार साहब के साथ जुड़े हुए हैं, अभी नहीं कई सालों से जुड़े हैं, और इसीलिए उनकी ये जो कृति है उस तरफ जाने की, ये किसी को मान्य होगी नहीं, और हम विश्वास रखते हैं कि ये सारे विधायकों को वापस आना है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे कह चुके हैं
इसलिए आज उनके ऊपर हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे, उनको डिस्क्वालिफिकेशन का उनके खिलाफ पिटिशन नहीं कर रहे, उनको थोड़ा सा समय यानी उनके सामने क्या कागज रखे वो भी उनको मालूम नहीं, किसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर किया वो भी उनको मालूम नहीं। काफी सदस्य बोलते हमें मालूम ही नहीं, उन्होंने सामने दो जन बैठे थे वो कागज रखते थे, हम साइन करते थे, वो पूरा कागज भी पढ़ने को हमें मौका नहीं देते थे। और इसीलिए काफी विधायक शायद वापस आएंगे ऐसी हमें अपेक्षा है। कल सुबह पवार साहब सातारा जा रहे हैं, कराड़ जा रहे हैं, स्वर्गीय यशवंतराव चौहान साहब के समाधि का दर्शन वो करने जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है वहीं से उनकी महाराष्ट्र की यात्रा फिर एक बार शुरू होगी। 83 इयर्स ओल्ड शरद पवार जी आज फिर एक योद्धा के स्वरूप से लोगों के सामने जा रहे हैं। मैं पूरा कि महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, महाराष्ट्र को यह अनुभव कभी भी नहीं हुआ था, लेकिन एक बार शिवसेना के बारे में ऐसा हुआ और दूसरी बार एक ही टर्म में आज राष्ट्रवादी के बारे में ऐसा ही होने जा रहा है, और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता पवार साहब के साथ महाविकास आघाड़ी के साथ रहेगी। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से वर्डिक्ट में कहा था कि लीगल पार्टी अलग होती है और मुख्य पार्टी अलग होती है, तो मुख्य पार्टी के अधिकार रहते हैं लेकिन सिर्फ पार्टी की बात करें किसी भी तरह वही है। एक सवाल और कराडला पवार साहब जाणार आहे पुणे पासून, मला मुंबईत थांबणं आवश्यक आहे म्हणून मी मुंबईत थांबणार आहे, पवार साहेब कराडला पुण्यातून जाणार आहे। सर मराठीमध्ये शिंदेगड ज्याप्रमाणे बाजूला गेला तेव्हा त्यांना गद्दार बोलता गेलं, आता राष्ट्रवादीमधून गट बाहेर गेल्यानंतर त्यांना गद्दार बोलू शकतो का? असं आहे की शिंदेगटाच्या वेळी काय झालं, त्या लोकांचा शिवसेनेशी फारसा संपर्क नव्हता, कारण त्यांना गुवाहाटीलाच जावं लागलं। इथं आमचे आमदार जे विरोधी गेले आहेत त्यांची गद्दारी अजून सिद्ध झालेली नाही, कारण ते आमच्या संपर्कात आहेत, पवारसाहेबांना बोलतायत, सुप्रियाताईंना बोलतायत, आव्हाडसाहेबांना बोलतायत, नरेंद्र वर्मा इथं आहेत, सगळे बोलतायत, त्यामुळं आज आम्ही त्यावर काही भाष्य करणार नाही। गुड नाईट।